हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS विद संतोष जमरे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ MPPSC का GS का सामान्य अध्ययन मेंस का चौथा चतुर्थ प्रश्न पत्र है, जिसमें कि कुल प्रश्नों की संख्या 3 है ना। 3 घंटे का रहता है ये क्वेश्चन पेपर भी, और 200 है मार्क्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस प्रकार का होता है। वैसे मैंने पहले सॉल्व कर लिया है इसको, और बाकी के भी MPPSC के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं, जो मैंने अपलोड कर दिए हैं और जो बच गए हैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में लिखना है अपने को। पहला जो है, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का तात्पर्य समझाइए। पहले मैंने सॉल्व करके लिखा है, सत्यनिष्ठा से तात्पर्य किसी चीज़ के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों के बीच में आंतरिक सुसंगति और नैतिक सिद्धांतों तथा व्यवहार में सुसंगति दोनों आ जाते हैं। प्रशासक को अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास प्राप्त होना होता है। बी, लोक प्रशासन में लोकोपयोगी सेवा का आधार क्या है? प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन का संबंध सामान्य नीतियों अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है, जो सेवा का आधार है। सी, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो वह यह भी जानना चाहता है कि उसका यह कार्य नैतिक है या अनैतिक। अतः किसी कर्म की नैतिकता या अनैतिकता के लिए व्यक्ति के पास 2 मार्गदर्शक स्रोत होते हैं, जो यह स्रोत लोक प्रशासकों के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन स्रोतों से लोक प्रशासकों को एक बेहतर, स्पष्ट एवं व्यवहारिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिससे इन्हें निर्णय लेने में आसानी होती है। इन मार्गदर्शक स्रोतों में एक है जो कानून, जो किसी प्रशासक पर मानव प्रभाव डालता है, तथा दूसरा ये स्वयं अपनी अंतरात्मा, जो व्यक्ति को खुद को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उचित है या अनुचित। डी, बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम मार्ग क्या है? उल्लेख कीजिए। त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का मतलब होता है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य, जिससे खुद के प्रयासों से बुद्धत्व तो प्राप्त किया। धम्म का मतलब होता है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के धम्म कहते हैं। संघ का होता है बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। ई, गांधी जी के द्वारा बताए गए 11 वचनों में से किन्हीं 6 वचनों को उल्लेख कीजिए। पहला, बापू ने कहा कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, न कि सोना और चांदी। 2, कोई कायर प्यार नहीं कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, इस प्रकार से ये मैंने 6 के 6 लिख दिए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको आपके नोटबुक में ये मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एफ, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों का नाम लिखिए। रामचरितमानस, तुलसीदास, द रिलीजन ऑफ मैन, रविंद्रनाथ टैगोर, द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। जी, ब्रह्म समाज के 2 संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज 1828 को राजा राममोहन और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। लोक सेवा में निष्पक्षता का अर्थ समझाइए। वह बिना किसी भेदभाव के समस्त नागरिकों के हित में कार्य करेगा। आय, आंतरिक मनोवृत्ति के आधार निर्धारक के रूप में अभिरुचि को परिभाषित कीजिए। लोक सेवा में बुद्धि की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो जो क्वेश्चन मुझे मिले वो मैंने कर दें, जो नहीं मिले वो आप लोग देख लेना, वो नोटबुक में इसको देख लेना। के, मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वास का स्थान समझाइए। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिछाया है, जिसके आधार पर वह व्यक्ति समूह, वस्तु, परिस्थिति या फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा विचार को स्पष्ट प्रकट करता है। एल, सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं? सहिष्णुता का अर्थ है सहन करना और असहिष्णुता का अर्थ है सहन न करना। एम, लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। लोक प्रशासन प्रशासन का एक विशिष्ट अंग है। प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा परस्पर सहयोग का नाम है। इसका अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना अथवा लोगों की देखभाल करना।
भारत में बेनामी संपत्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यह जम्मू और कश्मीर के अलावा भारत के सभी राज्यों में पारित हुआ है था। सेक्शन 3, 5 और 8 का प्रावधान एक साथ सभी जगहों पर 19 मई 1988 से पारित हुआ। बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसमें एक आदमी किसी दूसरे आदमी से किसी प्रॉपर्टी को किसी तरह के लाभ के लिए लेना चाहता है तो बेनामी संपत्ति कहलाएगी। चलिए और आखिरी का जो है वो सामान्य परिस्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सेवा सूचना अधिकारी कितने दिनों में सूचना देने का के लिए बाध्यकारी हैं। तो दोस्तों इसका मुझे खास तौर से मिला नहीं, लेकिन जितना भी पता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अपील प्राधिकारी जो होता है उसमें आपको जिससे भी आप अपील करते हैं अपील प्राधिकारी को तो 30 दिनों के लिए आपको वो देता है कि 30 दिनों के अंदर आपकी सूचना आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन से ज़्यादा दिन होता है तो अधिकतम 45 दिन लगता है। अगर 45 दिन अधिकतम अगर उससे ज़्यादा लगता है तो आपको लिखित में दिया जाएगा या आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी 15 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न उत्तर लगभग 150 शब्दों की सीमा में है। ए, लोक सेवा के आचरण संहिता के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। बी, प्रशासन एक नैतिक कार्य और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, इस कथन की विवेचना कीजिए। सी, मैं सोया और पाया कि जीवन सौंदर्य था, मैं जागा और पाया कि जीवन एक कर्तव्य था। ES हूपर की इन पंक्तियों का लोक सेवकों के कार्य कर्तव्य पालन के परिप्रेक्ष्य में निरूपण कीजिए। डी, वर्धमान महावीर के 5 नैतिक सिद्धांतों 5 महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास जी के काव्य में सामाजिक चेतना पर टिप्पणी लिखिए। गांधीवादी दर्शन के नैतिक बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदान का वर्णन कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर के मानवतावाद पर टिप्पणी लिखिए। समाजवाद के बारे में राम मनोहर लोहिया के विचारों को स्पष्ट कीजिए। मनोवृत्ति संरचना के निर्धारित तत्व कौन कौन से निवेचन कीजिए। भारत में रूढ़िवादी तथा पूर्वाग्रह की अवधारणा समझाइए। एल, विस्तृत दृष्टिकोण से प्रेरणा उन शक्तियों को निर्धारित करने की समस्या जो कि समस्त जीव प्राणियों को कार्य करने के लिए बाध्य उत्तेजित करती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बोरिंग तथा लेगफील्ड के इस कथन के आलोक में मनोवर्ती परिवर्तन में प्रेरणा की भूमिका समझाइए। एम, लोक सेवा के आधारभूत मूल्य के रूप में सहानुभूति के महत्व पर प्रकाश डालिए। एन, आदर्श प्रशासनिक अपेक्षाएं लोक सेवा के प्रति समर्पण की अधिकतम अभिक्षमता सुनिश्चित करती है, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। सामाजिक बुद्धि की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में निरूपण कीजिए। भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण क्या हैं, उद्देश्य लिख कीजिए। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सुझाव दीजिए। भ्रष्टाचार एवं संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का वर्णन कीजिए। तीसरा, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित प्रकरण। प्रथम प्रकरण, विषय परीक्षा प्रणाली की विसंगति। आप किसी राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक हैं। बोर्ड ने भौतिक विज्ञान विषय की 12वीं कक्षा की परीक्षा संपन्न करा दी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उपरोक्त प्रकरण के परीक्षा में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आप लोगों। पहला है, प्रथम पत्र लीक होने के क्या कारण है। दूसरा, इस तरह की घटना का व्यवस्था एवं छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा, निदेशक के रूप में इस तरह घटना रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। द्वितीय प्रकरण भी है, विषय लोक सेवा और नैतिक मूल्यों का संघर्ष दिया है इसमें, जो क्षेत्र के DM और SDM के बारे के को लिखना है। सही, लोक सेवा नैतिक मूल्यों के संबंध SDM और DM की उसमें लिखना है आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं अपन। उपयुक्त प्रकरण के परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप उस महिला की दुकान छोड़ देंगे। दूसरा, आप स्थानीय नागरिकों को उनकी सिफारिश के संदर्भ में क्या जवाब देंगे। तीसरा, कौन से मूल्य प्रश्नगत हैं यदि आप उसकी दुकान छोड़ने का निर्णय लेते हैं। चौथा, कौन से मूल्य प्रश्नगत हैं यदि आप उसकी दुकान तोड़ने का निर्णय लेते हैं। पांचवा, महात्मा गांधी का मत है कि देश की महानता का मापन इस बात से होता है कि वह अपने कमजोर वर्ग के सदस्यों के साथ कैसा बर्ताव करता है। इस कथन के आलोक में आपके अनुसार देश के अपने सबसे कमजोर वर्ग के सदस्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी है आपको लिखना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका हुआ है ये MPPSC का क्वेश्चन पेपर।
मेंस का चौथा प्रश्न पत्र है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा काम है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाना है, जो मुझसे हो सकता है मैं उसका सॉल्व कर देता हूँ, यानी कि उसका आंसर ढूंढ के आप लोगों को बता देता हूँ। और जो बड़े हैं, जो वस्तुनिष्ठ है, वो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन जो 150-200 पेज शब्दों में उनको आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए। तो अगर जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है दोस्तों, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में या फिर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ताकि मैं और वीडियो शेयर करना, ताकि सभी को ये वीडियो मिले, और ताकि हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर हम उपलब्ध करा सके, हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये MPPSC का है, और बाकी के जो भी मैंने अपलोड किए हैं वो आप लोग अपने हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, और जो भी है वो और अपलोड कर देंगे। तो ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।